एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेट वेब टेक्नोलॉजी आईपीओ के रिलेटेड। नेट वेब टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाली है और इसकी टेंटेटिव डेट की बात करें तो यहाँ पर इसके टेंटेटिव डेट आपको आते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि कब से ओपन होगी उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। साथ साथ इस कंपनी के बारे में बात करें तो AI जो सिस्टम्स है और AI सेक्टर के कह सकते हैं कि ये कंपनी हो सकती है, जिस तरीके की जैसे इस कंपनी की बिजनेस मॉडल है उसके अकॉर्डिंग, तो किस तरीके की कितनी इशू साइज हो सकती है और कब तक ये IPO आते हुए देखने को मिल सकता है और कैसे रिस्पॉन्स रहने की पॉसिबिलिटी और चांस है और आप अपनी तैयारी किस तरीके की कंप्लीट करके रख सकते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। कंपनी में आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि यह कंपनी AI सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी हो सकती है और देखा जाए तो न्यू एज सेक्टर में कंपनी के द्वारा काम की जा रही है, जिसके कारण से आने वाले समय में इस कंपनी की यदि वैल्यूएशन अच्छी रखी जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स इस IPO में देखने को मिल सकती है। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करें तो जैसी US मार्केट में देखा जाए तो AI बेस्ड जो भी कंपनियाँ थी उन सभी कंपनियों ने मल्टीवेगर रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी बनाकर दे चुकी है और इंडियन मार्केट में इस तरीके की डायरेक्टली आपको कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो यह कंपनी लिस्ट होने जा रही है तो इस कंपनी में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस पॉसिबिलिटी रहेगी। वैसे IPO की जब ऑफिशियली डेट और प्राइस पॉइंट आएगी तो काफ़ी कुछ इस कंपनी के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगी, जिसके रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिलते रहें। IPO मार्केट में जो इस कंपनी के रिलेटेड आपको न्यूज और इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी यदि हम लोग बात करें तो IPO बॉन्ड्स में ये कंपनी ने देखा जाए तो यहाँ पे 51 करोड़ तक की यहाँ पे जो पैसे है प्री IPO प्लेसमेंट यहाँ पे रेज करते हुए देखने को मिली है। देखा जाए तो आने वाले समय में फ्रेश इशू इस IPO की जो पहले जितनी रहने वाली थी उसमें आपको थोड़ी सी कटौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि 51 करोड़ IPO बॉन्ड के माध्यम से कंपनी रेज करते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स आप लोग कह सकते हैं कि प्री IPO से पहले ही इस कंपनी में IPO बॉन्ड्स में आपको अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो कंप्यूटिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर नेट यहाँ पे देखा जाए तो नेट वेब टेक्नोलॉजी IPO के बारे में बात करें 51 करोड़ यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टर की बात करें तो प्री IPO प्लेसमेंट के माध्यम से यह कंपनी उठाते हुए देखने को मिल चुकी है। वैसे यदि हम लोग कंपनी के बारे में बात करें तो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की बात करें तो यह कंपनी प्री प्लेसमेंट के माध्यम से 10.2 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बात करें तो इशू फ्रेश यहाँ प्राइस पर देखा जाए तो 500 करोड़ यहाँ पे सॉरी आप लोगों को देखा जाए तो 10.2 लाख इक्विटी ऑफ शेयर आपको 51 करोड़ की वर्थ में दी गई है, जो कि 500 पर इक्विटी ऑफ शेयर आपको देखने को मिला है। यानी कि आने वाले समय में आपको इस कंपनी की शेयर प्राइस की बात करें तो लगभग आपको 500 से लेकर 700 के बीच में रखी जा सकती है जब इस कंपनी की IPO आते हुए देखने को मिलेगी उस समय। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को जो इस कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग बात कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में बात करें तो कई सारे यहाँ पर आप लोगों को जो फैमिलीज हैं वो आपको प्री IPO प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले। साथ साथ इस कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो फ्रेश इशू इस कंपनी में जो 257 करोड़ की रहने वाली थी वो यहाँ पे अब कम होते हुए देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 51 करोड़ प्री IPO में पहले ही रेज की जा चुकी है, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो 257 यहाँ पर करोड़ की जो इशू साइज रहने वाली थी फ्रेश इशू वो अब घटकर 206 करोड़ की रहेगी फ्रेश इशू। और रेस्ट ऑफ इशू साइज की बात करें तो आप लोगों को ऑफर फॉर शेयर रहेगी, जिसमें आपको प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायल्यूट करते हुए देखने को। प्रमोटर्स कितने इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पर सेल कर रहे हैं IPO के माध्यम से तो 85 लाख इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करेंगे, जिसमें यदि हम लोग बात करें तो IPO के माध्यम से जो यहाँ पे संजय लोढ़ा हो गए, नवीन लोढ़ा, यहाँ पे विवेक लोढ़ा, नीरज लोढ़ा और अशोक का बजा यहाँ पे बजाज ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो एक कंपनी के प्रमोटर्स के तौर पे इनके द्वारा कुछ सेल की जाएगी अपनी शेयर को। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो जो फंड रेज करना चाहती है कंपनी वो आप लोगों को आसानी से फंड रेज हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है कि किस तरीके से आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी IPO आने से पहले प्री IPO में यहाँ पे आप लोगों को भी कंपनी रेज करते हुए देखने को मिली थी और उसकी किस तरीके से कैसे रिस्पॉन्स देखने को मिली है वो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स कंपनी को अच्छे इस कंपनी को भी मिलते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे जो इसके टेंटेटिव डेट निकल कर आ रही है उसकी बात करें तो यहाँ पे 17th of July से कंपनी की IPO ओपन हो सकती है, यानी कि नेक्स्ट वीक की बात करें तो इस कंपनी की नेक्स्ट वीक में ऑफिशियली इसके प्राइसमेंट और ऑफिशियली देखा जाए तो डेट इसके अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इस कंपनी पर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखनी है, फंड्स की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए फंड्स आपको रखनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस IPO में अप्लाई करके
आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। वैसे इस तरीके की मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास फंड्स नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक दिया गया, जिनमें से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन करवा कर आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।